99% लोगों को नहीं पता होगा कि काशीफल को जीरे में नहीं मेथी में छौंकते हैं। तो ये हमने मेथी दाना डाल दिया, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसके बाद डाल देंगे हल्दी को, तो ये थोड़ी सी हल्दी गई। अब हम डालेंगे काशीफल को। अब आती है फिर मसालों की बारी, तो सबसे पहले हम डालेंगे फिर नमक स्वाद अनुसार। अब इसके साथ हम डालेंगे लाल मिर्च, लाल मिर्च हम थोड़ी ही डालेंगे क्योंकि हमने हर मिर्च से ज्यादा डाली है, और इसी के साथ डालेंगे धनिया पाउडर। अब अच्छे से चला कर और ढक कर कम से कम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे कि ये काशी फल हमारा बनकर तैयार हो। तो यहाँ हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी को देख लेते हैं। तो ये हमारी भाप से सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें खटाई। खटाई डालने से जो उसका खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, उससे ये सब्जी और टेस्टी हो जाती है। और इस सब्जी को एक दही डालकर खाने की भी बहुत अच्छी खासियत है, और उससे बहुत टेस्टी होती है दही के साथ। सब्जी को खाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको खट्टी मीठी सब्जी को खाना है तो आप इसमें चीनी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये खट्टी सब्जी बनाई है, खट्टी और तीखी। तो ये मेरी सब्जी बिल्कुल कम्प्लीट तैयार है, बस अब इसमें धनिया डालना है। तो ये आ गया धनिया। अब मैं धनिया को इस तरह से काट कर और ये सब्जी में मैंने डाल दिया। धनिया डालने के बाद अच्छे से चला लेना है। अब इस सब्जी को निकाल कर सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी कद्दू की ये आसान सी सब्जी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।